भीषण गर्मी से लोगों का पहले ही बुरा हाल है, ऊपर से पेयजल की किल्लत स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन चुकी है। हरिद्वार में बहादराबाद ब्लॉक के ग्राम सराय में पानी की कमी से ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। वर्तमान समय में मौसम में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी बढ़ने से पानी की मांग भी बढ़ रही है। इस बढ़ती मांग के विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में जल संस्थान विभाग पानी की पूर्ति करने में नाकाम साबित हो रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और ग्रामीणों ने जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और जल पूर्ति सुचारू रूप से करने की मांग की है। बहादराबाद ब्लॉक के सराय गांव में मौजूद पानी की टंकी से उत्तरी इलाके में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिस वजह से उत्तरी इलाकों में उपभोक्ताओं को पेयजल की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। लगातार हो रही परेशानी के कारण आज ग्रामीणों ने जल संस्थान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीण अकरम अंसारी ने बताया कि क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति सुचारू नहीं है। हम लोगों ने कई बार जल संस्थान के अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में मजबूरन लोग प्रदर्शन करने को विवश है। हमारे गाँव में पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत के कारण हमारे गाँव में पानी नहीं बिल्कुल आ रहा है। 15 से 20 दिन हो गए, गर्मी का मौसम है। हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, हमारी माँ बहनें, बहुत ज़्यादा पानी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। लोगों की मांग है कि पेयजल की पूर्ति विभाग सुचारू रूप से करे। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग कब तक पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीणों की परेशानी का समाधान करता है। आवाज़ उत्तराखंड की स्पेशल रिपोर्ट।